Hey you guys, welcome to new video guys. Today we are talking about Honda Hornet 200R 2.0 advantage and disadvantage. Guys, आज की इस वीडियो में बात करेंगे Honda Hornet का advantage and disadvantage. देखिए दोस्तों, finally Honda की तरफ से Honda 200R launch की गई है. जी हाँ, 160 तो launch नहीं की गई, लेकिन 200R launch की गई है Honda की तरफ से. लेकिन दोस्तों, इस बाइक में मुझे अभी भी बहुत सारे disadvantage लगे हैं and advantage भी लगे हैं, लेकिन इस बाइक में मुझे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी लगे हैं, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं. Honda Hornet 2.0 का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. बाइक तो मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन कुछ कमियां मुझे Honda की तरफ से इस बाइक में देखने को मिली है, जो कि आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके. कहीं चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, कमियां के बारे में बात करेंगे. पहले बात कर लेते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में. सबसे पहला एडवांटेज आपको बाइक में ये मिल जाता है कि बाइक में आपको USD फॉक्स देखने को मिल जाते हैं अपसाइड डाउन. ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, जो कि आपको गोल्डन कलर की देखने को मिल जाती है. तो बाइक का इसका जो लुक है, इससे वो बाइक का लुक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड आप लोगों को ऑब्वियसली USD फॉक्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाइक की जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो भी काफी बेटर लग जाती है. तो ये एक सबसे पहला एडवांटेज आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिल जाता है. वहीं दोस्तों, अगर आप सेकेंड एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, तो बाइक में दोस्तों आप लोगों को पता है कि होंडा का इंजन मिल रहा है. अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि जो होंडा है वो जापानीज टेक्नोलॉजी है. जो होंडा का इंजन होता है दोस्तों, वो काफी मजबूत होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफी कम मेंटेनेंस मांगता है. और जो जापानीज टेक्नोलॉजी वाले इंजन होते हैं, आप लोगों को पता है वो काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप रिफाइंड भी होते हैं. तो इस बाइक का जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी कम रहेगा, और जापानीज इंजन है तो इंजन जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी खास रहेगी. बाइक का जो इंजन रहेगा वो काफ़ी स्मूथ रहेगा. तो सेकंड आपको सबसे अच्छा एडवांटेज यही मिल जाता है कि इस बाइक में आप लोगों को होंडा का इंजन देखने को मिल रहा है. वही दोस्तों, बाइक का जो थर्ड मुझे एडवांटेज लगा वो है बाइक में फुली LED सेटअप. जी हाँ दोस्तों, ये एक मुझे काफ़ी अच्छा एडवांटेज लगा. बहुत ही कम गाड़ियाँ ऐसे मार्केट्स में अवेलेबल है जिनमें आपको फुली LED सेटअप देखने को मिल जाएगा. अभी फिलहाल आपको हीरो एक्सट्रीम में मिलता था, जो कि अभी अभी ही लॉन्च हुई है, लेकिन अब आपको होंडा हॉर्नेट 200R में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है. नहीं तो मार्केट में अभी भी ऐसी 200 गाड़ियाँ अवेलेबल है, 160 गाड़ियाँ अवेलेबल है, जिनमें आप लोगों को फुली LED सेटअप देखने को नहीं मिलता. तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको एक LED लाइट, जो फुली LED सेटअप मिल रहा है, ये भी एक आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है. वहीं दोस्तों, नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो वो है कि आपको बाइक में काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं. जी हाँ, आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छे ग्राफिक एंड कलर्स ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं. आपको इसमें ग्रे मिल रहा है, रेड मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है. तो आप ध्यान देंगे कि होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें हमें कलर्स ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिलता है, और वो ग्राफिक में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है. इस बार हॉर्नेट में वाकई में ग्राफिक जो डिज़ाइनिंग है उसमें होंडा ने अच्छी तरह से काम किया है, एंड कलर ऑप्शन भी हमें बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों. वही दोस्तों, नेक्स्ट एडवांटेज आपको इस बाइक में ये मिल जाएगा कि बाइक में आपको पता है कि पावर थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन आपका इसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपको बाइक में माइलेज ज़्यादा देखने को मिल जाएगा. इस बाइक में आप लोगों को नॉर्मली 35-50 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा. तो ये एक चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि माइलेज आपको पता है कि अभी क्या मार्केट में पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है. तो माइलेज अगर हमें गाड़ी ज़्यादा देगी तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है, अगर हम इस बाइक को परचेस करते हैं तो. वहीं दोस्तों, आपको नेक्स्ट एडवांटेज बाइक में ये देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों को बाइक में बहुत ही अच्छे टायर्स देखने को मिल रहे हैं. इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में 110/70 के टायर एंड 140/70 के टायर रियर में देखने को मिल जाते हैं, जो कि डोमिनार 250 से भी बड़े टायर्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं. तो आपको एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि इस बाइक में आप लोगों को काफ़ी अच्छे टायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे होंडा की तरफ से ये चीज़ काफ़ी बेटर लगी दोस्तों. क्योंकि आजकल स्पोर्ट गाड़ियों में अगर बड़े टायर्स देते हैं तो वही गाड़ी लुक में भी अच्छी लगती है, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है टायर्स की वो भी काफ़ी बेटर रहती है. अब दोस्तों बात कर लेंगे बाइक के एडवांटेज के बारे में, कमियों के बारे में. आपको पता है कि हर गाड़ियों में अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी ज़्यादा होता है. तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में. फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा वो आप लोगों को भी लगा होगा, बाइक का पावर. क्योंकि बाइक को 200 की सेगमेंट में लॉन्च किया गया, आप इस चीज़ को समझिए. बाइक को ना तो 180 दिया गया और ना तो 160 दिया गया, बाइक को 200 की सेगमेंट में लॉन्च किया गया दोस्तों. तो 200 के हिसाब से 17 BHP मेरे हिसाब से बाइक के लिए काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी 200 बाइक्स अवेलेबल है हम उनका इससे कंपेरिजन नहीं कर सकते. क्योंकि आपको पता है उन गाड़ियों का
कम से कम BHP पावर 20 से ऊपर ही है, 20 से नीचे किसी का नहीं है, सीधा आपको 20 से ऊपर पावर देखने को मिलता है। तो एक सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज बाइक में देखने को मिल गया वो है बाइक का पावर। सेकेंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली कूलिंग। कूलिंग मतलब ना तो बाइक में लिक्विड कूल मिला दोस्तों और ना तो बाइक में ऑयल कूल मिला, आपको इस बाइक में सिर्फ और सिर्फ एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि दोस्तों कि जो हीरो की 200R एक्सट्रीम आती है वो मेरे हिसाब से इसलिए फ्लॉप हो गई थी क्योंकि उसमें भी आपको ज़्यादा पावर देखने को नहीं मिला था एंड उसमें भी आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिला था। तो मुझे हॉर्नेट 2.0 में एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा कि इस बार भी होंडा ने अपनी हॉर्नेट में कोई पावरफुल इंजन यूज़ नहीं किया और कोई भी ऑयल कूल या लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया। वही दोस्तों थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो वह है बाइक का लुक, क्योंकि दोस्तों इस बार भी होंडा ने 200R पे कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। ये आपको सेम हॉर्नेट 160R की तरह देखने को मिल जाएगी, पीछे का यानी बैक जो लाइट है टेल लाइट वो तो सेम ही मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें होंडा ने इसकी डिजाइनिंग में उतना ज़्यादा काम नहीं किया गया, ना तो चेंजेस किया गया। अगर आप इसे हॉर्नेट 160R से कंपेरिजन करोगे आप तो नॉर्मली आपको सारी चीज़ें लगभग सेम देखने को मिल रही है, कुछ कुछ ही चीज़ें इसमें चेंज देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिल रही है। तो ये भी एक मुझे डिसएडवांटेज लगा कि बाइक में अगर 200R में यानी कि न्यू सेगमेंट में आ रही है बाइक तो मेरे हिसाब से होंडा को उसकी डिजाइनिंग में काम करना था दोस्तों। बाकी दोस्तों बाइक काफ़ी अच्छी है, मैंने आप लोगों को कमियां बताई, आपको जो अगर कमियां बुरी लगी होगी तो प्लीज़ मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो चीज़ बताई वो सही है या गलत है। मैंने बाइक की आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें बताई है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों ये चीज़ें सही थी या गलत थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आया होगा तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।